यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम 18 तारीख से शुरू होने वाले हैं और आप सभी स्टूडेंटों को आपके जो एडमिट कार्ड हैं सबको मिल चुके हैं। सब लोगों ने अपने नाम वगैरह सब चेक कर लिए हैं और आपके उसमें क्या नाम में मिस्टेक है, क्या फादर मदर के नाम में मिस्टेक है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, या फिर आपकी कोई भी सब्जेक्ट में मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक आपकी सुधर सकती है। कैसे सुधार सकते हैं और उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे साइन इन करना है, और क्योंकि आज के समय में जो भी मार्कशीट में अगर कोई भी नाम गलत हो जाए तो उसे सुधरवाने में बहुत मेहनत पड़ती है और 6-6 महीने लग जाते, 1-1 साल लग जाते हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चों को इससे दो चार होना पड़ता है, दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। आप लोगों के पास एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप लोग परेशान हैं कि कैसे इनका इनमें अपना नाम सुधरवाएं, कैसे क्या करें। आप लोग अगर स्कूल में जाते हैं तो पता चले कि कोई स्कूल वाले या प्रिंसिपल हैं या सर हैं, वो कहते हैं कि आप लोग खुद सुधारो। और ये मेरे पास एक स्टूडेंट का, उसने मुझे कमेंट की करके बताया है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और मैं कैसे साइन इन करूँ, कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो मैं उस जो मेरे स्टूडेंट हैं उस स्टूडेंट की समस्या का समाधान लेकर आया हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि उसमें कैसे साइन इन करना है, कैसे हम करेक्शन कर सकते हैं, उसके लिए आपको आगे वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं। upmsp.education.in पर आ चुके हैं, वहाँ पर हम ये देखिए आप साइट पर आ चुके हैं। देखो हम जैसे ही स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, आपको हम बताते हैं किस प्रकार क्या करना है। यहाँ देखिए आया महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड, बस 2020 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों की त्रुटियों के सुधार के संबंध में। उसके जो नीचे है, बस 2020 के हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों अपने शैक्षिक विवरणों की त्रुटियों की जांच करने हेतु लॉग इन करें, विवरण त्रुटि होने की दिशा में उसके सुधार हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन देना होगा। तो इसके बारे में जानकारी ऊपर जो आई कार्ड 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 से भी आप उसमें देख सकते हैं। ठीक, अगर आपकी कोई भी मिस्टेक है तो आप करवा सकते हैं। ठीक, तो ऊपर वाला जो है उस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए एक फाइल आई है, फाइल को हम डाउनलोड करके चेक करते हैं। ये देखिए प्रेषक सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश। इसमें क्या दिया है, वर्ष 2020 की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरण की त्रुटियों के सुधार के संबंध में। ठीक, तो ज्ञातव्य है कि वर्ष 2020 की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों और डाटा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर दिनांक 10 सितंबर 2019 तक अपलोड करने एवं उसे अपडेट करने हेतु विज्ञप्ति पृष्ठांकन जिसको दिया है। ठीक, और इसके पश्चात उनके परीक्षार्थियों अपलोड किए गए डाटा में किसी प्रकार की अशुद्धियों को शुद्ध करने हेतु पत्रांक 17-10-19 के माध्यम से निर्देश करते हुए दिनांक 20 अक्टूबर 2019 को परिषद की वेबसाइट पुनः खोली गई थी। मतलब जो पहले जो किसी मिस्टेक थी तो वो भी पहले सुधारी गई थी, लेकिन फिर क्या है, ज्ञातव्य है कि वर्ष 2020 की परीक्षा परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरण अंग्रेजी के साथ ही प्रथम बार हिंदी में मुद्रित कराए जाने की व्यवस्था की गई। तो उत्तर प्रदेश पहली बार हुआ है कि जो नाम है पहले इंग्लिश में आते थे, अब हिंदी में कर दिए गए हैं। तो अतः परीक्षार्थियों के नेक्स्ट शैक्षिक विवरणों में किसी प्रकार की एक भी त्रुटि अवशेष न रह जाए, इस हेतु छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि को शुद्ध अपडेट करने हेतु परिषद की वेबसाइट upmsp.education.in को दिनांक 10/2/2020 से पुनः खोला जा रहा है। मतलब फिर से को ओपन हो गई है, अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप सुधार सकते हैं, क्योंकि बाद में सुधरने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और शायद बोल नहीं सुधारेगा। इस कार्य हेतु वेबसाइट दिनांक 25 फरवरी 2020 तक क्रियाशील रहेगी, मतलब 25 फरवरी तक वेबसाइट ओपन रहेगी। तो उसमें क्या क्या सुधार सकते हैं हम, वेबसाइट पर परीक्षार्थियों का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय, कास्ट कोड, जेंडर कोड, मीडियम कोड, रेगुलेशन आदि कोड में संशोधन किए जा सकेंगे। कृषि भाग कक्षा 11 के परीक्षार्थियों संशोधन परिषद की क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से ऑफलाइन किए जाएंगे। नामों में विद्यालयी अभिलेखों, प्रवेश आवेदन, अब अगर आपको सुधारना तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आवेदन पत्र एवं स्कॉलर रजिस्टर्स के अनुसार ही संशोधन केवल स्पेलिंग बरतने की त्रुटियों का ही किया जाएगा। बिना किसी समुचित साक्ष्य अभिलेख के परीक्षार्थियों के नाम व पता पिता के नाम, तीनों नामों को एक साथ पूर्ण परिवर्तन किया जाना वर्जित है। यदि वास्तव में ऐसा कोई प्रकरण है तो इसमें त्रुटिवश किसी छात्र छात्रा का विवरण पूरा बदल गया
तब उस स्थिति में समस्त सुसंगत साक्ष्यों अभिलेखों एवं उस पर जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्यक्ष आवेदन करना होगा। अगर तीनों नाम सुधारना चाहते तो आपकी अलग से इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। अब जिन विद्यार्थियों की फ़ोटो धुंधली है अथवा नहीं है तो उनकी विद्यालय सूची परिस्थिति वेबसाइट पर संबंधित विद्यालयों के पैनल पर लगा दी गई है। तो इसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल की इसके बाद जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, तो वो आपका इसमें चेंज करवा सकते हैं। अगर आप लोग सुधरवाना चाहते हैं तो 25/2/2020 तक ऐसे सुधरवा सकते हैं, और यह आप खुद नहीं सुधार सकते हैं। इसके लिए जो कहा जाता है कि यह आपको खुद सुधारना है, तो आप खुद नहीं सुधार सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने प्रधानाचार्य से बात कीजिए, अपने प्रिंसिपल सर से बात कीजिए, और वही सिर्फ इसमें सब संशोधन करवा सकते हैं या फिर सुधार कर सकते हैं। क्योंकि जो जो इसमें साइन इन करना होता है वो सिर्फ विद्यालय के जो प्रधानाचार्य होते हैं वही कर सकते हैं। उन्हीं के पास विद्यालय का कोड होता है और उन्हीं के पास जो आईडी होती है और पासवर्ड उनके पास होता है वही कर सकते हैं। तो ये जो बच्चों में भ्रांतियाँ हैं या उनमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम सुधार सकते हैं, हम सुधार सकते हैं, लेकिन वो नहीं सुधार सकते हैं, या जिनने भी जिन स्कूल वालों ने उनसे कहा है बच्चों से कि आप लोग ऐसा खुद करें, तो वो उनने गलत कहा है, तो आप लोग अपने प्रिंसिपल सर, अपने टीचर से बात कीजिए, वो आपको जो भी आपकी मिस्टेक वो आपको सुधार के देंगे। क्योंकि ये जिम्मेदारी आपके प्रिंसिपल सर की है और आपके टीचर्स की है। और देख तो प्रधानाचार्य को एवं परीक्षार्थी को विज्ञप्ति के माध्यम इस आशय से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी परीक्षार्थी विवरणों में त्रुटि विसंगति होने अथवा तो उसमें अंग्रेजी में हिंदी में मुद्रित नामों में भिन्नता होने तथा उसकी फ़ोटो धुंधली होने ना लगी होने की स्थिति में संबंधित परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रोक दिया जाएगा, जिसके लिए प्रधानाचार्य सीधे तौर पर उत्तरदायी होंगे। आपने देख लिया, तो प्रधानाचार्य उत्तरदायी होंगे, तो प्रधानाचार्य ही हमारी जो मिस्टेक है उसको सुधारेंगे। तो अभी भी आपके पास समय है, वो अभी भी आप लोग अपना नाम वगैरह सब लोग अगर चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको प्रवेश पत्र मिल गया तो उसमें भी सब कक्षा 10 की जो मार्कशीट है उससे आप लोग इंटर वाले मिला लीजिएगा। कोई भी अगर त्रुटि है, मिस्टेक है, तो आप अभी भी अपने प्रधानाचार्य से कहकर वो चीज़ आप सुधरवा सकते हैं। धन्यवाद।